आज ग्राम खोकरा कला में कलेक्टर द्वारा पूरे विभागीय अमले के साथ तालाब की पाल का निरीक्षण किया गया। पिछली बार 28 जुलाई को अतिवृष्टि होने के कारण तालाब की पाल फूट जाने से पूरे गांव में करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। इसको देखते हुए कलेक्टर दिनेश जैन ने सिंचाई के जिला सीओ से पाल फूटने के संबंध में चर्चा की। तालाब के ओवरफ्लोर को चौड़ा करने के विषय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से चर्चा की व तालाब के उलेटे की मेन रोड की पुलिया के दोनों साइड भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के जिला अधिकारी को निर्देशित किया व तहसीलदार साहब को गाँव की नदी में अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए एवं गांव में घूमकर नदी का निरीक्षण किया। विभागीय स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में अति वर्षा होती है तो नदी किनारे के मकानों को स्कूल या ऊंची जगह पर शिफ्ट करें ताकि आर्थिक हानि से बचाया जा सके। इस मौके पर जिले के एसपी एसटीएम प्रकाश कस्पे, तहसीलदार राजाराम करजारे व नायब तहसीलदार एसटीओपी जनपद थाना प्रभारी रमेश चंद आवासीय, सिंचाई विभाग के जिला सीओ सरपंच रामेश्वर पाटीदार, हल्का पटवारी आरआई दीपक चौहान, तालाब के सदस्य नटवर लाल लेवे, ग्राम सचिव व सहायक सचिव मौके पर उपस्थित रहे। कैमरामैन फूलचंद अहिरवार के साथ मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।